हेलो दोस्तों, आई एम चंचल श्रीवास्तव, खंडेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बरेली। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ पायरीला। अगर हम पायरीला की बात करें तो इट इज अ कॉमनली नोन एज शुगर केन लीफ ऊपर। शुगर केन लीफ ऊपर की अगर हम बात करें तो शुगर केन लीफ ऊपर बेसिकली हमारी जो गन्ने की क्रॉप्स होती हैं उन पर ये इंसेक्ट पाया जाता है। इंडिया में डिफरेंट हमारे स्टेट हैं, जैसे हमारे MP, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ये इंसेक्ट बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली देखा गया है। बेसिकली जिसमें हमारा मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, मेरठ है, दीज आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आर रिप्रेजेंट द पायरीला। अगर हम चलिए पायरीला की बात करें तो इसे हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ पायरीला। पायरीला बेसिकली मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरीला। पायरीला कलर की अगर हम बात करें तो कलर में ये येलो कलर का दिखाई देता है, और इसकी अगर हम साइज की बात करें तो 8 to 10 mm इन लेंथ में होता है, और इसके एंटीरियर पार्ट पर एक स्नाउट या हम कह सकते हैं एक नुकीला पार्ट दिखाई देता है जिसको हम रोस्ट्रम कहते हैं, और ये बहुत ही हार्ड होता है। देन इसी इसके नीचे लोअर सरफेस पर हमारी आई प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट, इसमें 3 pair ऑफ अपेंडेजेस होते हैं और इसमें 1 pair विंग्स होते हैं, यानी ये एक तरह से फ्लाई उड़ने में इसकी हेल्प करते हैं। आफ्टर इनकी बात करें, अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो सबसे पहले पायरीला क्या करता है, अपनी लाइफ साइकिल एक वर्ष में यानी एक साल में 4 times डेवलपमेंट कर देता है। सबसे पहला इसका डेवलपमेंट जो है वो समर सीजन में होता है। समर सीजन में ये क्या करता है, अप्रैल से मई के महीने में कॉपुलेशन के बाद एग ले करता है, और इनकी जो फीमेल होती है वो एग कुछ जो हमारा गंदा होता है या जो शुगर केन है उसकी इनर साइड पर जो लीफ लगी होती है उन लीफ के अंदर की साइड पर ये 300 टू 500 एग्स ले करती है, यानी इतने एग्स एक बार में एग ले करती है। ये एग्स लाइन में एक रो में लगे रहते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट कंडीशन में यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्स। एग्स की अगर हम बात करें तो एग्स ओवल और राउंडेड या फिर हम इसको कह सकते हैं ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। ये 7 to 20 days में हैच होकर एक नया एनिमल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं निम्फ। निम्फ इज द डेवलपमेंट स्टेज के बाद निम्फ एक ऐसी स्टेज है जिसमें से एक लार्वी फॉर्म में एनिमल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये निम्फ क्या करता है, निम्फ की अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग तो इसमें 3 pair ऑफ अपेंडेजेस होते हैं और ये विदाउट विंग्स होता है, और इसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड पार्ट में डिवाइड रहती है। देन जब ये ग्रोथ करता रहेगा डेवलप करता रहेगा देन चेंज इनटू एडल्ट, यानी इस तरह से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अब हम बात करें कि इनमें लाइफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तो ये करते क्या है, यानी जो हमारी गन्ने की क्रॉप्स है यानी जो गन्ना है उसमें ये क्या करते हैं, डैमेजेस करते हैं। अब डैमेज क्या करें, तो ये निम्फ और एडल्ट दोनों मिलकर जो हमारा गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उसकी लीफ के अंदर जो सैपी मटेरियल होता है उस सैपी मटेरियल को सक करते हैं, और जब सैपी मटेरियल को सक करेंगे देन जो लीफ होंगी प्लांट्स की वो कैसी हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगे, और सूखने के बाद क्या हो जाएगा, प्लांट भी सूखने लगता है, यानी हम कह सकते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। देन सेकंड क्या करते हैं, ये दोनों में से एनिमल्स, दोनों ही एनिमल्स क्या करते हैं, जब लीफ का मटेरियल सैप को सक करते हैं देन ये क्या करते हैं, एक तरह से मिल्की पार्ट सलाइवा सीक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं सैंड्यू। सैंड्यू से क्या होता है, ब्लैक कलर के मोल्ड्स बन जाते हैं, और ब्लैक कलर के मोल्ड्स बन जाते हैं एक तरह का हमारा फंगस ग्रो कर जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट कंडीशन एडल्ट भी क्या करता है, हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, यानी जो स्टेम होता है, सपोज दैट दिस इज अ स्टेम ऑफ शुगर केन, इसके यानी रोस्टम की हेल्प से इस पर क्या करता है, अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो इसके जो मटेरियल होंगे यानी गन्ने का जो रस होगा उसको ये सक करता है, और जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा जो शुगर केन होता है उसमें लगभग 35% की शुगर जो है वो कम हो जाती है, यानी जो हमारी शुगर का इंक्रीमेंट होना चाहिए वो कम हो जाता है, और जिससे हमारे किसान भाइयों को क्या हो जाता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो एक तरह से ये बहुत ही एक्टिव रहता है, हमारी यूपी में बहुत ही ज्यादा देखने को मिला।
अब बात आती है कि इनको हम बच कैसे सकते हैं, इनका प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि अगर हमें इनके कंट्रोलेशन चाहिए या हम इससे बचना चाहते हैं तो क्यों ना अगर हमारी जो लीफ है यानी जो शुगर केन की लीव्स हैं उनको अगर हम निकाल दें और निकालने के बाद उनको हम जला दें, देन क्या हो जाएगा कि हमारे जो एग्स हैं या लार्वी हैं वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, डिस्ट्रॉय, यानी इनका डेवलपमेंट रुक सकता है। सेकंड बात आती है केमिकल कंट्रोलेशन। केमिकल कंट्रोलेशन में हमारे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, यानी जिसमें हमारे BHC है, मेलाथाइन है, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स जिनको हम एज ए स्प्रे करके या पाउडर के रूप में छिड़क के हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कुछ हमारे ऐसे एनिमल्स के थ्रू हम इन एनिमल बीटल्स को खाने वाले ऐसे एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी बर्ड्स आती हैं जो हमारी बीटल्स को खा जाती हैं, इंसेक्ट को खा जाती है। देन नेक्स्ट है कि हम नाइट्रोजन का जो बैलेंस है यानी जो क्रॉप है यानी फसल उगाने से पहले अगर हम क्या करें नाइट्रोजन की बैलेंस ही चेक करा लें देन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी किस्म है गन्ने की जिसको हम अगर बोएं तो हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा हो सकता है, जैसे हमारी CO365 नाम की गन्ने की क्रॉप्स आती है। इसके अलावा CO957 नाम की जो वैरायटी है गन्ने की इसको बोने से क्या होता है, इन पर देखा गया है कि जो पायरीला है या शुगर के लीफ ऊपर है ये बहुत ही इन पर कम इफेक्ट डाल पाता है और जिससे हमारे किसान भाइयों को फायदा हो सकता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ पायरीला और जिसको हम लोग कॉमनली नोन है शुगर के लीफ ऊपर कहते हैं, जिससे हमारे क्रॉप से नुकसान होता है जिससे हम इनको बच सकते हैं। तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल। वीडियो कैसी लगी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत।